आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में। आज हम बहुत ही अच्छा चैप्टर जो कि चैप्टर है 12 क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की एक्सरसाइज 12.1 को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यहां पर इसका खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट पहला प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 616 वर्ग सेंटीमीटर, इतना हमें दे रखा है। साथ ही साथ पूछा है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और इसकी त्रिज्या हमसे पूछी गई है, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, यह हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सिंस इसका सॉल्यूशन, सिंस पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति कौन सी है, आकृति है गोले का, तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, बराबर कितना, 616 4 ऐसे के ऐसे ही पाई की वैल्यू रख देते हैं, जब दे रखी होगी तो हमें वही मान रखना होगा, अन्यथा इसमें पाई का मान 22/7 रखना होता है, गुणे आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही बराबर 616 क्या करना है, जो भी गुणा में है उसे हम ले जाएंगे इधर बटे में, और जो इधर बटे में है उसे हम इधर गुणे में ले जाते हैं, तो आर स्क्वायर का मान मिलेगा कितना, 616 ऐसे के ऐसे ही 7 चले जाएंगे इधर गुणे में, बटे में आ जाएगा 4×22, तो 4 से भाग दे लेते हैं इसे, 4×1=4, 2 बचे यहां से, ये हो गया 21, 4×5=20, कितना बचा, 1 बचा है, ये हो गया 16, 4×4=16, ये होता है 22×7=154, तो यहां पर हमें मिल गया 7×7, इसे हम लिख सकते हैं 7² और इधर चल रहा था आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू यहां से तुलना करने पर हमें क्या मिल जाएगी, 7, तो हम कह सकते हैं अतः गोले की त्रिज्या कितना, 7 सेंटीमीटर में दे रखा था इसलिए सेंटीमीटर आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, दो घन जिनके आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो माना पहले घन की त्रिज्या, क्योंकि दो घन है तो इनकी त्रिज्या मान लेते हैं, माना जो पहले घन की त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, दूसरे घन की त्रिज्या, दूसरे घन की सॉरी त्रिज्या नहीं यहां पे भुजा, क्योंकि घन में सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसे हम मान लेते हैं पहले घन की भुजा है वो स्मॉल ए है, और दूसरे घन की जो भुजा है वो कितनी है, कैपिटल ए है, तब कहा है दोनों घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो क्या दे रखा है, पहले घन का अनुपात, पहले घन का अनुपात बटे में दूसरे घन का अनुपात,
दूसरे घन का अनुपात। यह हमें दे रखा है कितना, 1:27, यह हमें दिया गया है। और हमसे पूछा गया है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तब घन का अनुपात होता है भुजा की घात 3। तो यहां पर भी दूसरे घन की भुजा, वो भी भुजा की घात 3 ही रहेगा। तो यहां पर जो घन की भुज जो आयतन है, उसमें भुजा हमने छोटे वाला जो घन है, पहला घन है, उसको हमने मान लिया है ए। तो इस भुजा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ए लिख सकते हैं, ए क्यूब अपॉन दूसरे घन का अनुपात। तो दूसरे सॉरी पहले घन का आयतन, अनुपात नहीं आयतन होगा यहां पे, पहले घन का आयतन और दूसरे घन का आयतन, आयतन ये हमें इतना दे रखा था। तो भुजा इसकी कितनी हो जाएगी, ए। तो इसका आयतन 1:3 बराबर इधर 1/27, इसे हम लिख सकते हैं ए बटा ए दोनों का घन। और इसे लिख सकते हैं कितना, इसी तरह से हमें घन के रूप में व्यक्त करना है तो लिख सकते हैं 1/3। तुलना करने पर हमें यहां से क्या मिलेगा, पहले घन की भुजा बटे दूसरे घन की भुजा कितनी मिल जाएगी, उसका अनुपात मिल गया 1/3, 1:3 यह हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या कहा है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब यहां पर हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो कितना होता है, 6 × भुजा की घात 2 होता है किसी भी घन का। तो यहां पर भुजा हमने पहले घन की कितनी मानी है, स्मॉल ए। तो ये हो जाएगा 6 × a² ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे तो 6 × A² तो यहां से 6 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं 1/a² तो a कितना है, a/a की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं कितना है, 1/3, यह हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है। तो इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो यहां से 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो यह हमें मिल गया दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन, दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। या इसे हम लिख सकते हैं 1:9 आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर इतना दे रखा है। साथ ही साथ दिया है इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं, वो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और यह क्वेश्चन 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, 2000 में और दो सॉरी 2020 में और 2022 में।
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमसे पूछा गया है इसकी त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं, यह हमसे पूछा गया। तो सिंस त्रियक ऊंचाई L ये बराबर किसके होता है, तो इसका वर्ग ऊंचाई और उस शंकु की त्रिज्या के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां से निकाल लेते हैं, एच 12 दे रखा है, 12 रख लिया का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस आर दे रखा है 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 3.5 का वर्ग निकालेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 12.25, 3.5 की दो बार गुणा करेंगे तो 12.25 मिल जाएगा। और इधर चल रहा है एल स्क्वायर, तो इधर जोड़ लेंगे इसे कितना मिल जाएगा, ये 0.25 ऐसा का ऐसा ही 2, 4, 6, 1, 2 कितना हो गया, सॉरी 1 और 4 कितना हो गया 5, और ये 1 ऐसा का ऐसा ही, तो 156.25। वर्गमूल लेने पर तो यहां पर L ये इसका जो वर्ग है वो खत्म हो जाएगा, इधर अंडर रूट में 156.25 इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना मिल जाएगा, निकाल लेते हैं, लगभग 13.5 के समथिंग आएगा, तो 156.25। तो पॉइंट के बाद के जोड़े बनाते हैं, पॉइंट से पहले के जोड़े बनाते हैं, तो इधर से जोड़े बनाएंगे तो ये 56 का बनेगा, एक रह जाएगा ऐसा कैसा ही, तो एक का एक एकम एक, एक यहां पर प्लस भी होगा, जो भी यहां पर भागफल जाएगा वो प्लस भी करते हैं, तो ये मिल गया 1 और 1 2। यहां से बचा क्या, कुछ भी नहीं, नेक्स्ट जोड़ा पेयर पूरा उतार लेते हैं, 56 कितना बार जाएगा, दो बार चला जाएगा, तो 22 दूनी कितना होता है 44, दो एड भी करने हैं तो 22 दूनी 44 कितना बचेगा, यहां से 2, 1 पॉइंट लगा लिया, पूरा जोड़ा उतारेंगे कितना 25, तो ये इधर कितना हो गया 24, 5 बार लगभग चला जाएगा 5 बार, तो 5 से 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना मिल गया 12.5 आएगा, L आ गया 12.5, और चूंकि ये सेंटीमीटर में दे रखी थी तो सेंटीमीटर, तो त्रियक ऊंचाई उस शंकु की कितनी हो गई 12.5, तो ये हो गया त्रियक ऊंचाई। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई आ गई 12.5 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2020 में। क्या क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु के आकार का है, ठोस है शंकु के आकार का, जो एक समान आधार त्रिज्या के गोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर, तो क्या करना है, एक अर्धगोला है इस तरह का, यह अर्धगोला हो गया, इसी पर समान त्रिज्या रहेगी इस तरह का, एक शंकु इस पर अध्यारोपित है, इस तरह का ठोस बना हुआ है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु के वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर माना त्रिज्या हमें दे नहीं रखी है, तो माना शंकु, वाह चूंकि ये एक ही त्रिज्या रहेगी दोनों की, तो माना जो शंकु है और अर्धगोला, शंकु व
अर्ध गोले की त्रिज्या, ये मान लिया आर है, इसकी त्रिज्या हो गई आर, मात्रक या आर इकाई। आर तथा शंकु की ऊंचाई, क्योंकि हमें शंकु की ऊंचाई भी चाहिए, शंकु की ऊंचाई वक्र पृष्ठ समान दे रखे हैं, हाँ ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई तथा शंकु की ऊंचाई वो कितनी है, एच है। तो दिया गया है हमें, दिया है क्या क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है किसके, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना हमें दे रखा है। अब पूछा है इस शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल बराबर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है, टू पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई यहीं पर ये कैंसिल हो गया, क्योंकि आर दोनों में बराबर है, तो आर से एक आर कैंसिल हो गया, यहां से हमें मिला एल बराबर कितना, टू आर, इतना मिला। अब क्या करना है, हमसे ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात पूछा गया है, तो एल सिंस एल बराबर एल स्क्वायर बराबर ये होता है कितना, एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो यहां से एल का हमें मान निकालना है, क्योंकि हमें एल चाहिए, तो क्या करें, दोनों तरफ ले लें वर्गमूल, तो यहां पर एल आ जाएगा और ये एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, तो एल के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, इतना, या फिर ऐसा करते हैं दोनों जगह वर्ग कर लेते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या मिलेगा, एल स्क्वायर और इधर 2R का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये मिल गया एल स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर ये हमें पता है, तो उसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, एल स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर, ये लाइन हमें यहीं पर लिखनी है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तब क्या मिलेगा, यहां से 4R स्क्वायर है, R को एक ही तरफ कर लेते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3R स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, क्योंकि हमसे त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात पूछा गया है, तो इनका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा, एच बराबर वर्गमूल लेंगे तो यहां से एच रह जाएगा, यहां से अंडर रूट 3 और ये आर, क्या करें, यहां पर गुणा में है 1, तो 1 ऐसा का ऐसा ही, इधर हमने आर रखना है, आर ऐसा का ऐसा ही, आज को ले गए इधर अपॉन में, तो एच आ गया नीचे, और अंडर रूट 3 इधर है, इसको ले गए 1 के अपॉन में, तो ये इधर आ गया, तो यहां से हमें आर अनुपात एच मींस त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात मिल जाएगा कितना, 1:3 का, और यही हमसे पूछा गया था आंसर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।